हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आई हूँ खूबसूरत बेबी बूटीज। इस पैटर्न को हम टैंक शूज़ कहते हैं, तो आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे टैंक शूज़। देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये देखिए इसमें जो डोरी है ये मैंने इसी में अटैच करके बुनी हुई है और देख सकते हैं आप इसका साइड का लुक है। ये इसका सोल पोर्शन है और ये 0 से 8 मंथ के बेबी के लिए ठीक है। इसकी साइज़ 0 से 8 मंथ के बेबीज़ के लिए अच्छे से आ जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस शूज़ का सोल पोर्शन बनाएंगे। सोल पोर्शन जैसे बाकी सब बूटीज़ में बनता है उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे मैंने 33 फंदे लिए हैं और 33 फंदे के बाद हम पहला फंदा जो है उसे बुन लेंगे। पहला फंदा बुनने के बाद हम नीचे से एक फंदा उठाएंगे और उसे बुन लेंगे इस तरह से। देखिए नीचे से फंदा उठा के हमने इसे बुना है। अब नीचे से फंदा उठा के बुनने के बाद हम यहाँ पे 15 फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये हमने 15 फंदे बुन लिए हैं। अब हम नीचे से एक फंदा उठाएंगे। देखिए नीचे से फंदा उठाएंगे और इसे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से फिर ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा है इसे बुन लेंगे और फिर इसके बाद नीचे से फंदा उठाएंगे इस तरह से। देखिए और इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर 15 फंदे बुन लेंगे। 15 फंदों को बुन लेना है। ये देखिए 15 फंदे बुन लिए हैं। अभी जो लास्ट वाला फंदा है उसके हम नीचे से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और इसे बुन लेंगे और फिर इसे लास्ट वाले को भी बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए इस तरह से हमने 2 रोज बुन ली है। अब हमें थर्ड रो पे हैं। थर्ड रो पे हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2। 2 फंदे बुनने के बाद फिर नीचे से फंदा उठाएंगे ये देखिए और इसे बुन लेंगे। अब इसके बाद 15 फंदे 15 फंदे हम बुन लेंगे फिर से। ये देखिए ये हमने 2 फंदे के बाद एक बढ़ाया था, नीचे से उठा के बुना था और ये यहाँ से यहाँ तक 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। 15 के बाद फिर हम ये नीचे से उठाएंगे फंदा और इसे बुन लेंगे। और पिछली बार हमने यहाँ पे एक ही फंदा बुना था, इस बार हम यहाँ पे 3 फंदे बुनेंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। 3 के बाद फिर नीचे से फंदा उठाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे और फिर इसके बाद हम 15 फंदे बुन लेंगे। 15 फंदों को हमें फिर बुन लेना है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक 15 फंदों को बुन लिया है। अब फिर हम नीचे से एक फंदा ऐसे उठाएंगे इस तरह से, इसे बुन लेंगे और फिर ये 2 फंदे भी बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुनना है। अब देखिए अब हम अपनी 5th रोज पे आ गए हैं। 5th रो पे हम इस बार 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। 3 फंदे बुनने के बाद फिर हम नीचे से एक फंदा उठाएंगे और इसे बुन लेंगे और इसके बाद 15 फंदे बुन लेंगे, 1, 2। ये हमने 15 फंदे बुन लिए हैं। फिर हम नीचे से फंदा उठाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे और पिछली बार हमने यहाँ पे 3 फंदे बुने थे, इस बार हम यहाँ पे 5 फंदे बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे बुनने के बाद फिर हम नीचे से फंदा उठाएंगे और इसे बुन लेंगे। फिर 15 फंदे बुनेंगे, 15 फंदे। ये देखिए ये 15 फंदे हो गए हैं। अब हम नीचे से ऐसे फंदा उठाएंगे और इसे बुन लेंगे और फिर इसके बाद ये 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3। 6th रो में सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। ये हमारी 7th रो है और 7th रो में हम यहाँ पे पहले 4 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे हमने बुन लिए। अब 4 के बाद हम ये नीचे से उठाएंगे।
पिछली बार हमने 3 फंदे बुने थे और उसके बाद फंदा उठाया था, और इस बार हम 4 फंदे के बाद फंदे उठाएंगे और 15 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 13, 14 और ये 15। 15 फंदे बुन लिए और 15 के बाद फिर हम ऐसे नीचे से उठाएंगे, इसे बुनेंगे, और इस बार हम यहाँ पे 7 फंदे बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और 7 फंदों के बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसे बुन लेंगे उठा के। फिर हम 15 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 14, 15 फंदे बुन लिए, और 15 के बाद फिर हम नीचे से फंदा उठाएंगे और इसे ऐसे बुन लेंगे। फिर इन फंदों को बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से, यानी कि हमारी जो 8th रो है उस 8th रो में सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे गांठ स्टिच से। 1। अब हम 9th रो पर हैं और 9th रो में फिर हम 5 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे के बाद फिर हम नीचे से ऐसे फंदा उठाएंगे और इसे बुन लेंगे, और फिर हम 15 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 14 और ये 15। 15 फंदे बुन लिए हैं और अब हम यहाँ से ये फंदा ऐसे उठाएंगे, इसे बुनेंगे, और इस बार हम यहाँ पे 9 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये 9 फंदे बुनने के बाद फिर हम नीचे से फंदा उठाएंगे ऐसे और इसे बुन लेंगे। इसके बाद फिर 15 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 14, 15। 15 फंदे हो गए। अब फिर हम ये नीचे से ऐसे फंदा उठाएंगे, नीचे से इसे बुन लेंगे, और ये जो फंदे हैं सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 5 फंदे बचे हैं हमारे पास। यहाँ तक हमारे पास 9 रो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे टोटल हमारे पास 53 फंदे हो गए। हमने 33 से स्टार्ट किया था और लास्ट में हमारे पास 53 फंदे हैं, 20 फंदे हमारे इंक्रीज हुए हैं। अब ये 10th रो है, पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 11th रो बनाएंगे। 11th रो हमारे सोल की लास्ट रो है, ये हम सीधी बुनेंगे। ये 11th रो है, सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है, और 11th रो के बाद हम फिर ये बॉडी पार्ट के लिए बनाएंगे। यहाँ से हम 12th रो जो है वो हमारी रो फर्स्ट होगी। ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई है, राइट साइड से एकदम सीधी सीधी। अब रॉन्ग साइड से हम फिर रो फर्स्ट काउंट करेंगे। रो 12th नहीं काउंट करेंगे, हम रो फर्स्ट काउंट करेंगे। और ये देखिए कैसे बुनना है, एक फंदा तो उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा उतार लेंगे और इस ऊन को इस पर ऐसे लपेट देंगे। देखिए फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को उतार के ये ऊन इस पर ऐसे लपेट देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, अगला उतारेंगे और ये ऊन इस पर ऐसे लपेट देंगे। देख सकते हैं, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इसे उतार लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, इसे उतार के इस पे ऊन ऐसे लपेट देंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन इस पर ऐसे लपेट देंगे, उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उतार के ऊन इस पर इस तरह से लपेट देंगे, और ये रो हमें पूरी इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 2nd रो पर हैं। 2nd रो हमें कैसे बुनना है, देखिए ये बुना हुआ फंदा है, जो अकेला है फंदा उसे तो हमें उल्टा बुन लेना है। ये अकेला है, इसे हमने बुन लिया है, लास्ट वाला है चूंकि। अब देखिए ये जो फंदा है ये इसके साथ लपेटा हुआ है, तो इन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे। अब बुनने के बाद ये जो फंदा है इसे उतारेंगे और इस पर ऊन ऐसे लपेट देंगे। फिर ये देखिए, ये इन दोनों को हम ऐसे बुन लेंगे, यानी कि जो रॉन्ग साइड से हमने लपेट कर उतारा था उसे हम बुन लेंगे, और जो हमने बुना था उसे उतार लेंगे। ये देखिए, ये हमने बुना हुआ था पीछे से, इसे उतार के इस पर ऊन इस तरह से लपेट देंगे। फिर ये दो फंदे हैं, एक तो बिना बुने हमने उतारा था और दूसरा जिसके पर लपेटा हुआ था, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। यानी कि रॉन्ग और राइट दोनों साइड से हमको एक ही जैसा बुनना है, इस तरह से। ये देखिए, ये बिना बुना हुआ फंदा था, इसे उतार के ऐसे लपेट देंगे, और ये फंदा, ये देखिए,
ये लपेटा हुआ है और इसके बाद ये उतारा हुआ है, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। इसी तरह हमें टोटल 12 रोज कंप्लीट करनी है। ये हमारी सेकेंड रो है, ये देखिए ये हमारी 12 रोज कंप्लीट हो गई है। 12 रोज आप कैसे काउंट करेंगे, देखिए ये जो चोटी की संख्या है ये 6 होगी। एक चोटी बनाने में हमें दो लाइन बुननी पड़ती है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारा सिलाई में है। अब ये हमारी 13th रो है। 13th रो में हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, लेकिन पहले हम 22 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये देखिए ये जो लपेटा हुआ है इन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे, 3 4 अकेला है, ये देखिए देख सकते हैं आप, ये जो लपेटा हुआ फंदा है इन दोनों को हमें एक साथ बुनना है। टोटल 22 फंदे हम बुन लेंगे, ये देखिए ये मैंने 22 फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन भी लगा लिया है। अब इस ऊन से हम 8 फंदे बुनेंगे। सबसे पहले देखिए 1 2 3 और इस ऊन को हम यहीं छोड़ देंगे, यहाँ हम दूसरा ऊन लगाएंगे, 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 फंदे हमने बुन लिए। अब ये फंदा और ये फंदा देखिए, ये तो एक उतरा हुआ लपेटा और इसके बाद ये दो फंदों को हमें एक साथ बुनना है। देखिए ये हमने यहाँ इसे एक साथ बुन लिया, यानी कि टोटल हमने 9 फंदे बुने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 21 फंदे हैं, इन 21 को भी हम बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर मैंने ये ग्रीन कलर का धागा जोड़ लिया है और इन सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। फंदों को मैंने बुन लिया है और यहाँ पे अब हमें इस ग्रीन ऊन की जरूरत नहीं है, तो हम ये ऊन यहाँ पे तोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, राइट साइड से ये जो फंदे हैं इन्हें हम बिना बुने उतार लेंगे। ये देखिए सारे फंदों को ऐसे ही बिना बुने हमें उतार लेना है। ये देखिए ये हमने बिना बुने उतार लिया। अब हमें सिर्फ ये जो फंदे हैं बीच के 9 फंदे यही बुनना है। तो इसमें देखिए पहला फंदा है उसे हम उतार लेंगे, ऊन आगे करेंगे और 7 फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 फंदों बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और देखिए 8वां और ये इन दोनों को पीछे से इस तरह से लेके हम इसे बुन लेंगे। अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर का धागा है, तो जो जब भी हम दो फंदे एक में बुनेंगे तो उसे अगली साइड से उतार लेंगे। ये देखिए 2 में एक बुना था इसे उतार लेंगे और 7 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से 7 फंदे बुनने के बाद ये देखिए चूंकि हम रॉन्ग साइड से हैं तो हम इनको उल्टी साइड से घटाएंगे इस तरह से। देखिए अब हम यहीं से जब हम दो फंदे बुन लेंगे एक में तो यहीं से टर्न हो जाएंगे। अब देखिए ये दो फंदे एक में बुने हुए थे तो इसे हम उतार लेंगे, उतारने के बाद फिर हम 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 ये हमने 7 फंदे ये जो उतारा है इसको छोड़ के 7 फंदे बुन लिए हैं, उन पीछे करेंगे और देखिए ये वाला और ये वाला इसे सीधा करेंगे और इसे और इसके बाद वाले एक फंदे को लेके ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। अब दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे, एक कलर की हमें 2 रो बनानी है। ये देखिए फंदा 2 फंदों को घटा के मिला है तो इसे हम उतार लेंगे जैसे है और फिर 7 फंदों को उल्टा उल्टा दूसरे कलर से बुन लेंगे। ये देखिए ये 7 फंदे हमने बुन लिए, ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे छोड़ के 7 फंदे बुन लिए। अब अगले फंदे को उसके बाद वाले फंदे से मिला के उल्टा बुन लेंगे, यहीं से टर्न हो जाएंगे, फिर इस फंदे को उतार लेंगे और ऊन आगे करके 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 फंदे के बाद धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 8वां फंदा है और इसके बाद वाला इन दोनों को हम ये फंदा सीधा करेंगे पहले फिर इसे और इसके पीछे वाले को ऐसे लेके
पीछे की साइड से ऐसे एक कर लेंगे, ये देखिए। और इसी तरह हमें बनाना है, हमें यहाँ पे टोटल रेड कलर की 5 धारियाँ चाहिए, 5 धारियाँ हो जाइए, 2 धारी हो गई हैं, हम 3 धारी और बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5th, यानी कि हमने इस मजेंटा कलर की 5 रोज कंप्लीट कर ली है। अब हम ग्रीन की बारी है, तब हमें यहाँ पे इस ऊन की ज़रूरत नहीं, तो मैंने इसे यहाँ पे तोड़ के गांठ लगा ली है। अब रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को, जिसे हम जैसे पहला फंदा हम उतारते थे, इसे भी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सारे मतलब ये बीच के जो 9 फंदे हैं इन्हें हम बुन लेंगे, ये जो धागा तोड़ा है इसे बीच में ही हाइड कर देंगे। इस बार हमने ये कॉर्नर वाला फंदा अकेला बुना है, हर बार हम इस फंदे को और इस फंदे को मिला के बुनते थे, लेकिन इस बार हमने इसे अकेला बुना है। और अब हमारे पास ये 9 फंदे हम छोड़ दें, तो 13 फंदे इधर हैं और 13 फंदे इधर हैं, यानी कि हमारे पास टोटल इस दोनों पोर्शन में 26 फंदे हैं और ये 9 फंदे एक्स्ट्रा। तो इन 9 फंदों को पहले हम बुन लेते हैं। अब देखिए कैसे बुनेंगे हम। पहला फंदा तो आपको उतार लेना है, फिर 2 फंदों को पीछे से, ये देखिए पीछे से हम एक करेंगे, ये पीछे से एक करेंगे हम। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2 और 3, ये 3 फंदे हमने बुन लिए। अब हम 2 फंदों को आगे की तरफ से एक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अरे लास्ट वाला फंदा है, इसे अकेला बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा बुनेंगे और बाकी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, हमें टोटल 16 रोज बुननी है, राइट साइड से सीधा सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा। पहला फंदा हम इसमें उतार लेंगे। पहला फंदा आपको ये 16 सलाइयाँ बुनने के लिए पहला फंदा आपको हमेशा उतारना ही है। देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार के हमने बाकी के 6 फंदे बुन लिए, फिर रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार लेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 16 सलाइयाँ बनानी है। ये देखिए ये 16 रोज हमने कंप्लीट कर लिए है। यहाँ पे आप चाहें तो चोटी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 भी लाइन हमारी सिलाई में है। अब हमें इन फंदों को बंद करना है। बंद कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने मैजेंटा कलर का ऊन लगाया उसके नीचे जो ये एक रो जा रही है, देखिए ये लाइन जो जा रही है, इसमें से फंदे उठाने हैं। ये देखिए पहला फंदा है, इसे हम उठाएंगे और सिलाई में डालेंगे और 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से, देखिए। फिर इसके बाद वाला ये देखिए ये है, इसे उठाएंगे इस तरह से, देखिए इसे उठा के सिलाई में डालेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे टाइट कर लेंगे। अब ये जो पहला फंदा है इसे इस फंदे पे उतार देंगे, फिर ये अगला फंदा ऐसे उठाएंगे, सिलाई में डालेंगे, 2 का एक करेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को इस पर हम गिरा देंगे। फिर ये देखिए ये रहा फंदा, इसे ऐसे उठा के इसमें डालेंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर पीछे वाले फंदे को इस पर हम गिरा देंगे। फिर देखिए नीचे से ऐसे फंदा उठाएंगे, इस पर गिरा लगाएंगे, देखिए 2 का एक करेंगे और ये इस फंदे को इस पर हम गिरा देंगे। और अब इसमें हम इस तरह से ऊन को निकाल के गांठ लगा देंगे। ये देखिए ये हमारे जो ये पोर्शन है ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ बुनना है, तो हम सिलाई दूसरी लेंगे और देखिए ऊन नहीं तोड़ेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।
इसमें क्या करेंगे, पहला फंदा हमें उल्टा इसी से बुनना है। देखिए पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, इस तरह ये इन फंदों को हम पूरा बुनेंगे। ये लास्ट फंदा है, ये हमारा उल्टा है, इसे बुन लिया। और देखिए ये हमने ऊन तोड़ा था, इसे यहीं पे गांठ लगा देंगे। ये देखिए इस पोर्शन के फंदों को बुन लिया, अब हमें इसी में इसे भी बुनना है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सारे फंदे हैं इन्हें हम दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इसका मुँह उस साइड आ जाए। देखिए देखिए, और अब हम देखिए ये दोनों सिलाइयों का मुंह एक तरफ हो गया। अब ये हमारा लास्ट वाला फंदा उल्टा था, तो इसे हम आगे करके इसके फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, सीधा टाइट बुनेंगे ताकि ढीले ना हो। उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा यही उल्टा अब इस फंदे को बुनने के लिए पहले से उतार लेंगे। और ये देखिए यहाँ से ये जो कॉर्नर वाला फंदा जो हमने घटाया था, यहाँ से एक फंदा उठा के और इस फंदे को, और इन दोनों को हम एक साथ सीधा बुनेंगे ताकि ये एक दूसरे के पास आ जाए। ये देखिए अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, तो जो फंदा हमने इधर से सीधा बुना है उसे हम यहाँ से उल्टा बुनेंगे। देखिए ये आगे से उल्टा दिख रहा है, जो फंदा आपको उल्टा दिख रहा है उसे आप सीधा बुन लीजिए, सीधा। अब देखिए ये फंदा हमारा सीधा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। देखिए ये जो बॉर्डर है सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा, इसे हम ईचक दाना बॉर्डर बोलते हैं। हमें यहाँ पे टोटल चार लाइन की बॉर्डर बनानी है। दूसरी लाइन है हमारी सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। ये देखिए ये हमारा फंदा सीधा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे, उन आगे ये उल्टा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे ही ये रो हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड से पहला फंदा सीधा था तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर अगला देखिए ये उल्टा दिख रहा है ये फंदा, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर अगला सीधा है तो इसे उल्टा बुन लेंगे, फिर उल्टा है तो उसे सीधा। ये थर्ड रो है, ऐसे ही हम फोर रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने चार रोज की ईचक दाना बॉर्डर बना ली है। अब हम यहाँ पे ये मैजेंटा कलर लगाएंगे। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, देखिए रॉन्ग साइड है तो हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इन फंदों को, ये जो धागे हैं इसे हम अंदर ऐसे छुपा लेंगे इस तरह से, ऐसे लगा लेंगे तो हमारे धागे अंदर की साइड में हो जाएंगे। दो दो फंदों के बाद ऐसे ऐसे लपेटते जाएंगे। इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फिर राइट साइड से भी हम इन्हें उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए राइट साइड से भी सारे फंदों को टाइटली उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये सेकेंड रो जो कि हमें राइट साइड पे आ रही है उसे कंप्लीट कर ली है। अब हम ये जो डोरी है ये भी इसी में बनाएंगे। तो डोरी के लिए ये देखिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस फंदे में से एक चैन लेंगे इस तरह से, देखिए जो लास्ट वाला फंदा है ऐसे चैन लेंगे और इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। इसमें लेंगे क्रोशिया को और हम यहाँ 25 चैन स्टिच बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, ये मैंने 25 चैन स्टिच बना लिए। थोड़ा ढीला ढीला ही बनाया मैंने। अब हम ये 25वां है तो इसे बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, एक लूप लेंगे और ये लास्ट वाले चैन में से एक और लूप निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी हमारे पास तीन फंदे हो गए देखिए, और इस तीन फंदों में से हम ये इस तरह से एक निकाल के इसे, ये देखिए अब हम यहाँ पे दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए
अब यहाँ तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसे हम ये बेस में जो मिला के ऐसे बना देंगे। फिर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक दो, और फिर हम इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसमें से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिए, और इसे ऐसे पकड़ लेंगे। फिर एक और बिना लूप लिए हम सिंगल क्रोशिया एक और बनाएंगे, ये देखिए एक, और अब तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन के बाद ये देखिए जो बेस वाला है हमारा, इसमें ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक और ये दो, दो सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसे देखिए इस तरह से बंद कर देंगे। फिर दो बनाएंगे, एक दो सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन, एक दो तीन, और फिर इसे इसमें इस तरह से ले जाके बंद कर देंगे। इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। हमें टोटल यहाँ पे छः, ये जो आपको कोने दिख रहे हैं, छः कोने बनाने हैं। फिर दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, ये देखिए ये हमने छः पत्तियाँ बना ली हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः पत्तियाँ बना ली हैं। अब हम इसे, ये लास्ट वाला था यहीं पे, इसे बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे धागा तोड़ दिया, और इस धागे को हम इस तरह से इनके बीच में से, सिंगल डबल क्रोशे के बीच से ऐसे बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के इन्हें छुपा देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारी डोरी बनके तैयार हो गई है। अब ये धागा हमने जो तोड़ा था उसे हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब ये हमारी लास्ट रो है, तो इस रो में हम सारे फंदों को घटाएंगे। लेकिन घटाने से पहले हम ये देखिए, जैसे हमने इसमें कंगूरे बनाए हुए हैं ऐसे कंगूरे बनाएंगे, तो एक फंदे को हम तीन बार बुनेंगे, देखिए एक दो और ये तीन, ये हमने तीन बार बुन लिया। अब इसके बेस वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसमें डालेंगे, और इस फंदे को भी इसमें सिलाई मिलेंगे। अब देखिए तीन फंदे, ये जो बुन के मिला है और जो नीचे से उठाया है और उसके बाद वाला जो सिलाई में था, इन तीनों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये पहला फंदा घट गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चार फंदे हमने घटाए। फिर हम तीन बार बुनेंगे, थोड़ा सा हम इसे ढीला ही बुनेंगे, एक दो तीन, ये तीन बार बुन लिया। और फिर हम नीचे से फंदा ऐसे उठाएंगे, सिलाई में डालेंगे और इसे डाल देंगे। अब तीन फंदों को हम एक साथ घटा देंगे, ये पहला फंदा घट गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे फिर तीन बार बुनेंगे, एक दो तीन, तीन बार बुन के ये जो बेस वाला फंदा है इसे उठाएंगे, ऐसे सिलाई पे चढ़ाएंगे और इसे देखिए इस तरह से। फिर इसी तरह चार चार फंदों के बाद हमें ये कंगूरे बनाने हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में घटाए हुए फंदे को हमने चार बार बुन लिया है। बेस से फंदा उठाएंगे, इसे इस पे चढ़ाएंगे इस फंदे को, और तीन फंदों को हम एक कर देंगे। ये हमारा पहला फंदा है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। लेकिन चूंकि लास्ट फंदा है तो यहाँ पे भी हम कंगूरा बनाएंगे, देखिए इसे एक बार बुनेंगे, दो बार बुनेंगे और ये तीन बार बुनेंगे। और तीन बार बुनने के बाद फिर बेस से फंदा उठाएंगे इस तरह से, और इन दोनों फंदे को हम एक कर देंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये। अब हम इसमें से अपना गोला निकाल के इस धागे को पहले बंद कर देते हैं इस तरह से, देखिए। और यहाँ से हमें फिर ये जिस तरह से डोरी बनाई है हमने, वो डोरी हम बनाएंगे। उसके लिए देखिए ये जो कॉर्नर का फंदा है, इसमें से हम ऐसे क्रोशिया डाल के एक लूप निकालेंगे, ताकि ये जो हमारा फंदा है जो हमने बंद किया है
वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। अब फिर से जैसे हमने ये डोरी बनाई है वैसे ही हम ये डोरी भी बना लेंगे। ये देखिए हमने दोनों डोरी बना ली हैं और हम इसे उल्टा कर लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये यहाँ तक, यहाँ हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ऐसे इसे पास में कर लेंगे। देखिए लाइन से लाइन इसकी मिलाते हुए ये देखिए इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे ऐसे उलट देते हैं। देखिए और ये जो हमारी डोरी है ये देखिए, इसे हम पहले थोड़ा सा फैला लेते हैं और फैला के इस साइड की डोरी को इधर से निकाल लेंगे हम। और इस साइड की डोरी को हम इस साइड से डाल के उस तरफ निकाल लेंगे। देखिए और इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। ये देखिए हमारे टैंक शू बनकर तैयार हैं। देखिए बहुत ही प्यारे टैंक शू हैं और जब ये बच्चों के पैरों में पड़ते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो इन जूतों को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।